प्यार में धोखा मिला खा है, टेंशन मत लो हम भी खाए हैं, तो सुसाइड मत करना। मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया। Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Romeo Roll. This is your boy Romeo Roll back with another blog and video baby. Guys, you know कि बहुत दिनों से मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाली, सो तेरे भाई काफ़ी टेंशन में हो गया था कि कोई एक वीडियो डाल के अपने चैनल को एक्टिव रखूं। तो फाइनली आज एक वीडियो बनाने का मौका मिल ही गया। गाइज अभी मैं हूँ हजारीबाग में और अभी हम लोग जाने वाले हैं डेंटल मेडिकल कॉलेज ऑफ हजारीबाग। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे जाते जाते एक नया वीडियो भी बन जाएगा, मेरा एक ब्लॉग भी बन जाएगा। तो मैं हूँ, मेरे साथ एक मेरा एक फ्रेंड है जो कि अभी नहा रहा है। अभी सुबह के बजे 8 और मैं अभी कुछ देर पहले सो के ही उठा हूँ। तो अभी मैं फटाफट से फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मिलते हैं बस या ऑटो में, क्योंकि यहाँ से डेंटल कॉलेज जो है यहाँ से कुछ दूर पड़ता है, तो वहाँ जाने के लिए हमें बस या ऑटो लेना पड़ेगा। तो अगर बस मिल गई तो बस में मिलेंगे और ऑटो मिले तो ऑटो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला आइकन दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गाइस हम लोगों ने जाने के लिए एक ऑटो कराया, सो लेट्स स्टार्ट अवर राइड। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, ऑटो की स्थिति बहुत ही खराब। ले भोसड़ी के बेटे बेटे, ओ बेटे माज कर दी, हाँ माज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस हॉस्पिटल। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल के गेट पे हैं और उसके बाद यहाँ से हम लोग अंदर इन करेंगे। यहाँ से छोटा छोटा बिल्डिंग दिख रहा है, उसके बाद अंदर जाने के बाद बड़ा कैंपस है। मैं और मेरा ये फ्रेंड नहीं है, मरीज है, इसी को लेके आए हैं अभी हम लोग यहाँ पे। हाय बोलो मोनू। हाय। वेट अ मिनट, हु आर यू? सो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है अंदर। बहुत रोमांचक होने वाला है ये वीडियो, तो वो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेट्स गो। सो गाइज अभी हम लोग हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर है और ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं ये कैंटीन। अभी हम लोग वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे खाने के लिए। तो सो गाइज अंदर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इस कारण हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। और खाने की कुछ चीज़ें हम लोग स्नैक्स थोड़ा बहुत ले लिया, खाकर हम दिखा दे, बिस्किट कुरकुरे वगैरह ये सब भी खा लिया। तो गजब बेइज्जती है, देख नहीं रहे। अभी हम लोग इसको खाएंगे, तो अभी हम लोग पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ कैंपस के अंदर इन किए हैं, अभी अंदर हॉस्पिटल के अंदर गया नहीं है अभी। जैसा कि अब मैं आपको बताना भूल गया कि मेरा ये दोस्त जो है आर्मी में सिलेक्शन
हो गया है इसका मतलब मेडिकल रनिंग कंप्लीट कर लिया, अभी मेडिकल बाकी है, तो मेडिकल के लिए पहले ये वही जो प्रोसेस होता है तो उसको पहले क्लियर कर रहा है, तो इसी कारण वो मतलब दांत वात कान वान सफाई करते हैं ना, तो वो करवाने के लिए आए हुए हैं, तो इसी कारण लोग हजारीबाग डेंटल कॉलेज आए थे। तो आप अंदर जहाँ जहाँ वीडियो बनाना अलाउड होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सभी जगह जाकर, तो बने रहिए वीडियो में। अंशुल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अभी हम लोग खाते हैं इसको, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। मिले जा चलो चलेंगे ये बना पकौड़ा। पीछे देखो पीछे। समझ रहे हो ना, मनु मस्त लग रहा तुम देखने बाहर। डस्टबिन का स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा कर लिया हमने। गाइस बहुत देर से हम लोगों को प्यास लगी थी और हम लोग बोतल लेके नहीं आए थे, तो अभी हमने एक भैया से बोतल मांगा और उसमें पानी नहीं था, तो ये अभी पानी भरने जा रहा है, पानी भर के हमको पानी पिलाएगा। भाई पानी पिलाओ यार, प्यास मिट गई हमारी। तो फाइनली हम लोगों ने पानी पी लिया है, चलते हैं वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ नई चीज़ें दिखाते हैं। सो गाइस इस कैंपस में एक छोटा सा जू भी है जिसमें कुछ छोटे छोटे जानवर भी है, तो बच्चे भी है, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो पानी पीना है मेरा भाई, तेरी धड़कन से मेरी धड़कन तो अच्छा उठ जाओ। सो गाइज आप देख सकते हैं ये यहाँ पे चच्चा यहाँ पड़े हुए हैं और चच्ची उधर घूम रही है। प्यार में धोखा मिला का भाई, टेंशन मत लो, हम भी खाए हैं, तो सुसाइड मत करना। वो किसके साथ लगी है भाई, तो अकेली है तो इसको धोखा कैसे दिया। और फाइनली अब हम हॉस्पिटल के अंदर इन कर रहे हैं। गाइस अभी हमने ऊपर के फ्लोर पे जाना, लिफ्ट का यूज करेंगे, लिफ्ट आ चुका है, अब हम लोग इन करेंगे। मेरा कैप इसे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था तो ये कैप मेरे से ले लिया। वैसे हमारे दोस्त की लिफ्ट से फटती है, फिलहाल लिफ्ट पे चलते चलते इसकी आदत हो गई है, तो अभी हम लोग सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर होते हुए फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं। अब हम लोग पहुँच चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, शायद वीडियो अलाउड नहीं होगा तो वीडियो बंद करनी पड़ेगी हमने। अब हम लोग आ चुके हैं उसके ऑपरेशन थिएटर में, नाउ यू कैन सी वो अंदर बैठ चुका है। अब मुझे उसे कैप लेनी पड़ेगी क्योंकि कैप के बगैर मेरा बाल बहुत ही ख़राब हो चुका है। सो देखते हैं, पहली बार बिना पूछे अंदर जा रहा हूँ, सामने एक खाली कुर्सी पड़ी है, ये नहीं ये, इस पर बैठ लेता हूँ, थोड़ा थक सा गया हूँ। और ये रहे वो सारे स्ट्रेचर जिस पर लिटा कर दाँत साफ किए जाते हैं। हमको बाहर जाना पड़ेगा, कैप दे दे मम्मी। सो गाइस मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया क्योंकि अंदर सिर्फ पेशेंट अलाउड है और मैं पेशेंट नहीं हूँ। A few moments later, बहुत अफसोस हो रही थी कि मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया क्योंकि मैं मरीज नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ धक्के मार के सिर्फ मुझे ही नहीं
इसे भी निकाल दिया गया, मरीज को भी धक्के मार के निकाल दिया। वो कहना कि डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर वो था नहीं, तो इसी कारण अभी हम लोगों को बोला गया कि बाहर वेट करो। सो गाइस डॉक्टर से अभी हमारी बात हुई, वो बोले दो मिनट वेट करने के लिए, उसके बाद फिर इसको अंदर ले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे इसके साथ। ये अंदर दांत वात सफाई करेगा, तब तक मैं आपको नीचे का फ्लोर का वीडियो दिखाऊंगा। अभी मैं आपको ऊपर के फ्लोर का वीडियो दिखा रहा हूँ। और वो झूठ है, झूठ है। और क्या सच है जाकर के? कहाँ पे? फ्लोर के नीचे वाले में, पते नीचे। इसको अंदर ले जाएंगे ना, स्वागत करेंगे इसका, तो इसी कारण नीचे जाना नहीं चाह रहा। पर कोई नहीं, मैं नीचे जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है अभी, कभी पर्दाफाश होने वाला है कुछ ही देर में। गाइस वो लोग लेके चले गए इसको, मैं अकेला हूँ। अभी मैं आपको दिखा पाऊँगा तो दिखाऊँगा कि वो है क्या। अंदर तो जाना मना कर रखा है, कैसे मैं आपको दिखाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्राई करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो दिखिए, थोड़ा जूम करता हूँ, सॉरी साफ नहीं दिखा पा रहा मैं आपको। उसे तो नहीं दिखा पाया, अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं कहाँ बड़ी बड़ी मछलियों को उसने देखा था। सो गाइस मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरा दोस्त एक नंबर का झूठा निकला, यहाँ पे कोई मछली नहीं है, देख सकते हैं आप, दूर दूर तक आपको कोई मछली दिखाई नहीं पड़ेगा। मछली तो फर्स्ट फ्लोर पे था, जिसे मैंने आपको पहले ही दिखा दी। नीचे देखते हैं, और अब हम लोग धीरे 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 धीरे, वाह बेस्ट प्लेस, आई लव इट यार, रियली लव इट। मतलब देखो कितना खूबसूरत है ये, बहुत ही खूबसूरत यार, इट्स अमेजिंग, यू कैन सी इट। कैमरा घुमा के मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही सीरियसली बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। देख आप देख सकते हैं, जस्ट वाह। सो गाइज अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं, सबसे नीचे आ चुके हैं। वो ऊपर से ये, यहाँ से हम लोग यहाँ तक का सफ़र आपको मैंने दिखाया। अभी कुछ एरियाज हैं जहाँ मैं आपको नहीं ले गया हूँ इस मेडिकल कॉलेज का, तो वहाँ भी मैं आपको लेके चलता हूँ अभी। तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ ये सारी जगह, मतलब इतना प्यारा लोकेशन, मतलब बहुत अच्छा है सीरियसली। पीछे देखो मेरे, क्या है ये यार, अब यहाँ पढ़ना ड्रीम ही है हमारे लिए। और आपको मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ एक छोटा सा, मतलब मिनी ट्रैक्टर जिसको कह सकते हैं, छोटा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का छोटा भाई है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मिनी ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर एक नॉर्मल ट्रैक्टर होता है, ये छोटा, छोटे चक्के, छोटे इंजन, छोटा सब कुछ, छोटा मीन्स चलाने में मज़ा आता होगा। नहीं बच्चों का ट्रैक्टर तो नहीं है, बच्चे भी ड्राइव कर लेंगे इसको, तो छोटा सा ट्रैक्टर, मुझे बहुत छोटा क्यूट लग रहा है। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल वाले आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, फिर से वापस लौटेगा तेरा भाई। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी केयरफुल एंड लव यू ऑल।